सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर पाई नेटवर्क वीडियो। फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में पाई नेटवर्क ओपन मैननेट साथ ही ओपन मैननेट के लिए क्या क्या करना आवश्यक है, इसकी पूरी जानकारी इस कंप्लीट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि एक भी सिंगल स्टेप आप इसमें से मिस कर जाओगे तो आप एक बहुत बड़े अपडेट से चूक सकते हो। और साथ ही वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और साथ ही इस वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, आपने अगर अभी तक देश टेक्निकल्स का व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो फ्रेंड्स जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क ओपन मैननेट के रिगार्डिंग कुछ दिन पहले ही डॉक्टर निकोलस किकुलस जो पाई के फाउंडर है, उन्होंने एक अपडेट दिया था कि 2024 में ही पाई नेटवर्क को पूरी तरह से ओपन मैननेट पे लॉन्च कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज मैंने अपने चैनल पे पहले भी अपलोड कर रखा हूँ और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है उनको पता है। आप अगर इस चैनल पे पहली बार और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे चैनल पर तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो। पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग मैंने भर भर के वीडियो बना के अपलोड कर रखा हूँ, हर एक छोटा से छोटा और बड़े से बड़े अपडेट्स को लेकर के। तो फ्रेंड्स, आज पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग जो अपडेट लेकर के आया हूँ, इस न्यूज को खास आपको देखने की आवश्यकता इसलिए है कि पाई नेटवर्क ने ओपन मैननेट के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट देते हुए कुछ दिन पहले ही एक अपडेट दिया है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे पाई नेटवर्क केवाईसी डेडलाइन, तो आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है, द डेडलाइन फॉर केवाईसी ऑन द पाई नेटवर्क इज September 30, 2024। दिस इज ड्यू टू द ग्रेस पीरियड व्हिच इज ए 6 month पीरियड, द बिगन ऑन July 1, 2024। द ग्रेस पीरियड इज नेसेसरी द प्रिपेयर द नेटवर्क फॉर द ओपन नेटवर्क। द पाई नेटवर्क ऐप हैज इन ऐप रिमाइंड दैट शो यूजर्स देयर इंडिविजुअल केवाईसी एंड मैननेट माइग्रेशन डेडलाइन टाइम्स आर विजिबल ऑन द होम स्क्रीन एंड डूइंग माइनिंग। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है पाई नेटवर्क पर केवाईसी की समय सीमा 30 सितंबर 2024 है, ये ग्रेस पीरियड के कारण है, जो 6 महीने की अवधि है जो 1 जुलाई 2024 को शुरू हुई ओपन नेटवर्क के लिए, नेटवर्क तैयार करने के लिए ग्रेस पीरियड की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, ओपन नेटवर्क का ग्रेस पीरियड का समय सीमा बांध दिया है आपको 30 सितंबर से पहले पहले जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुआ है वो लोग अपना केवाईसी कंप्लीट कर ले, क्योंकि 30 सितंबर तक का ही समय सीमा दिया है पाई नेटवर्क की ओर से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। पाई नेटवर्क ऐप में इन ऐप रिमाइंडर है जो उपयोगकर्ताओं को इनकी व्यक्तिगत केवाईसी और मैननेट माइग्रेशन समय सीमा दिखाती है। ये टाइमर स्किन होम स्किन पर और खनन के दौरान दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक अपना केवाईसी सबमिट नहीं किया तो जैसे ही आप माइनिंग स्टार्ट करोगे तो आपको केवाईसी का फॉर्म नजर आ सकता है। अगर आपने केवाईसी नहीं किया होगा तो आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर ले, क्योंकि पाई नेटवर्क ने समय सीमा बांध दिया है, वो है 30 सितंबर 2024। 30 सितंबर के बाद जब सबकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मुझे लगता है पाई नेटवर्क अपना ओपन मैननेट डेट भी अनाउंस कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया फ्रेंड्स कर लीजिए, क्योंकि आपने अगर एक पाई कॉइन की भी माइनिंग किया होगा तो इसकी कीमतें आपको लाखों में भी मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी सी अर्निंग वाले टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस मैं लाता रहता हूं डे टू डे। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले के जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से सबसे पहले आपको मिले। और आपने अगर मेरे इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके रखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट और एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, हैव फन।